हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक खास बीमारी के बारे में जिसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ओ एस ए ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है रुकावट स्लीप मतलब नींद और एपनिया मतलब नो ब्रीदिंग मतलब जब सांस नहीं आती है तो उसे हम एपनिया कहते हैं दोस्तों सांस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जैसे डिस्निया जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग जैसे ऑर्थोपनिया मतलब लेटने पर सांस लेने में दिक्कत होती है तो ऐसे ही एपनिया मतलब सांस नहीं ले पाता इंसान जब ब्रीदिंग नहीं होती है तो उसे हम एपनिया कहते हैं अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब सोते समय रुकावट की वजह से ब्रीदिंग नहीं होना ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया और ऐसा मोटे लोगों को होता है जो ज़्यादा ओबीज होते हैं उनको होता है अब दोस्तों आपको पता है ये कोरोना वायरस का एरा चल रहा है और इस समय अगर किसी मोटे लोगों को इन्फेक्शन होता है जो काफ़ी ओबीज़ होते हैं जिनको मोटापा बहुत ज़्यादा होता है उनमें ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगता है अब उनको पहले प्रॉब्लम थी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप पैपनिया की और उनमें कोरोना वायरस की वजह से और ज़्यादा ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है जिसकी वजह से उनकी कंडीशन सीवियर हो जाती है इसलिए मोटे लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अब कभी भी आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप कर रहा है तो तुरंत आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है नाइन्टी से नीचे है तो रिस्की है ऑक्सीजन सेचुरेशन आप पल्स ऑक्सीमीटर से नाप सकते हैं दोस्तों जो लोग मोटे होते हैं जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा होता है उनमें जो सांस लेने का जो रास्ता होता है उनमें रुकावट हो जाती है मोटापे की वजह से और सांस ऑक्सीजन जो है प्रॉपर बॉडी में नहीं पहुंच पाता जिसकी वजह से उनको खराटे भी आते हैं उनकी नींद भी प्रॉपर नहीं हो पाती है सोते समय उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है और अगले दिन जब वो सुबह उठते हैं तो थकान कमज़ोरी रहती है ये सारे सिम्टम्स होता हो सकते हैं यूजली ज़्यादातर सबसे कॉमनली जो ओएसए के पेशेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव स्लीप पपनियाँ के उनको खराटे बहुत आते हैं तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आप को लगता है कि आपको कोई खांसी बुखार सुखाम जैसी शिकायत है तो कोरोना वायरस अगर आपको होता आता है मतलब तो आपको खास ध्यान रखना है ऐसे लोगों को खास ध्यान रखना है क्योंकि ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका ऑलरेडी सोते समय कम होगा और इन्फेक्शन कोरोना वायरस की वजह से और कम हो जाएगा तो वो रिस्की हो सकता है इसलिए जितने भी लोग मोटे हैं ओबीज हैं उनको ख़ास ध्यान रखना है इस चीज़ का ऑक्सीजन सेचुरेशन ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना चाहिए आप प्रोन पोजीशन पे सोना शुरू कर दीजिए अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो उसे चेंज करके पेट के बल सोइए पेट के बल सोने पे आपके ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो नॉर्मल काफ़ी हद तक हो सकता है और अगर आप जगे भी हैं तो भी पेट के बल लेट कर लंबी लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश कीजिए उससे भी प्रॉपर ब्रीदिंग होती है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बारे में मैंने सोचा था वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों से भी डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि रात को सोते समय खराटे आ रहे हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए तो मैं इसके बारे में और भी वीडियोस लेकर आऊँगा स्लीप एपनिया उन लोगों को जिनको कोरोना वायरस है और जिनको पहले से स्लीप एपनिया की शिकायत है मोटे हैं उनको ऑक्सीजन सेचुरेशन का खास ध्यान रखना है और उनको पेट के पल्स होना है ये इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताया दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए क्योंकि ऐसे और भी हेल्थ रिलेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर